हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारे सामने है ओला S1 प्रो, और इसका जो प्राइस है हमारे भुवनेश्वर में वो लगभग 1,50,000 है। और आप अपने सिटी से चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है, जो सिटी टू सिटी वैरी करता है। तो पहले आपको एक 360 लुक दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग डिटेल से शुरू करेंगे फ्रंट से। ये वाइट कलर में, बाकी आपको बहुत सारा कलर ऑप्शन मिलता है, जो कि लगभग 15 कलर ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो पहले फ्रंट से शुरू करते हैं। तो आपको इधर देख सकते हैं, आपको डुअल प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाता है, बाकी इसका DRL है। और बाकी बॉडी आप देख सकते हैं, पूरा प्लास्टिक का मिलता है आपको। इधर ओला का बैच मिल जाता है। नीचे की तरफ आए तो इधर आप देख सकते हैं, आपको LED इंडिकेटर मिलता है। बाकी इस गाड़ी में सब कुछ LED ही है, कोई भी आपको हैलोजन वाला बात ही नहीं आता है। बाकी नीचे आए तो वर्ल्ड फेमस सिंगल साइडेड जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जो कि अभी अपडेट भी हो चुका है, क्योंकि पहले आपको पता होगा थोड़ा बहुत हो गया था केस वगैरह। बाकी नीचे की तरफ आएँ तो आपको 12 इंच का व्हील्स वगैरह मिल जाता है, जिसका साइज है वो 110/70, और ये 12 इंच का है। बाकी आपको डिस्क ब्रेक भी मिल जाता है, और कोई ABS का ऑप्शन नहीं है। मुझे लगता था देना चाहिए, क्योंकि इसका प्राइस को देख कर लगता है इसमें ABS आना चाहिए। बाकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, इसका टॉप स्पीड वगैरह भी 115-118 समथिंग चढ़ जाता है। बाकी साइड की तरफ आए तो आप देख सकते हैं, इसका जो फुटबोर्ड ये पूरा फ्लैट नहीं है, आपको हम्प मिलता है, तो आप जो सिलेंडर वगैरह कैरी नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा दिक्कत है, इंडियंस की दिक्कत है। बाकी इधर देख सकते हैं, आपको स्पीकर मिल जाता है इधर इधर दो, जिससे आप अपना गाना बजा सकते हो। बाकी इधर आपको एक USB मिल जाता है, जिससे फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हो। बाकी इधर एक हुक है, और उस साइड आपको थोड़ा स्टोरेज वगैरह मिल जाता है। बाकी पीछे की तरफ आए तो आपको पीछे भी आपको मोनोशॉक मिलता है, और ये भी सिंगल साइडेड स्विंग आर्म है, और ये हो गया। बाकी इधर आप चार्ज कर सकते हैं, S1 प्रो लिखा हुआ है इसके ऊपर। और नीचे की तरफ आए तो आपको LED टेल लाइट और LED इंडिकेटर मिलता है, एक ही साथ है, तो आपको दोनों LED मिल जाता है। बाकी ये हो गया भाई, पीछे का टायर भी सेम ही है, आपको 110/70, और ये 12 इंच का है। इस साइड आए तो आप देख सकते हैं इसका मोटर, और इस मोटर जो है वो 3.94 kW का मोटर है, जो कि प्रोड्यूस करता है 7 BHP और 58 Nm का टॉर्क, जो कि बहुत ज़्यादा है। बाकी इसका पावर वगैरह तो आप सुना ही होगा, बाकी अभी चलाएंगे तो आप अच्छे से देख लेना। तो ये थोड़ा ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, इसीलिए थोड़ा फिनिशिंग वगैरह इधर है। तो भाई बहुत अच्छा काम हुआ है, तो थोड़ा काम तो चल जाएगा, मतलब जो लेडीज़ वगैरह बैठेंगे उनके लिए अच्छा है। बाकी सीट के तरफ आते हैं तो आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा चौड़ा सीट आपको मिलता है, बाकी ग्रैब रेल भी मिल जाता है। बाकी इसका थोड़ा लेंथ कम है, आप देख सकते हैं, और चौड़ाई वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर लेंथ थोड़ा कम है। बाकी मेन आते हैं स्क्रीन की तरफ, तो अभी लॉक है तो इसको अनलॉक करते हैं। तो एक सिंगल क्लिक करना पड़ेगा आपको, बाकी आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। हो गया अनलॉक, और अनलॉक पे कुछ ऐसा साउंड आता है। बाकी अभी ये पार्क मोड पे है, स्टैंड वगैरह भी ऑन है, तो आपको साइड स्टैंड कटअप सेंसर वगैरह मिल जाता है, जैसे कि ये ऑन होगा तो गाड़ी नहीं चलेगा, मतलब एक जैसे बाइक वगैरह मिलता है वैसा ही है। बाकी इधर कंट्रोल्स की तरफ आते हैं तो ये आपका हो गया पावर बटन, जिससे आप ऑन ऑफ और लॉक कर सकते हैं। ये हो गया जो मोड का बटन, इससे आप अपना जो मोड वगैरह चेंज कर सकते हैं। बाकी ये हो गया जो आपका म्यूजिक आगे और पीछे ले सकते हैं। बाकी ये नीचे हो गया जो पॉज का बटन, तो ये हो गया बटन। अभी इस तरफ आते हैं तो आपको इधर रिवर्स मोड का बटन, और ये हो गया लाइट का अपर डिपर। बाकी ये हो गया जो इंडिकेटर का स्विच, और ये हॉर्न का स्विच। अभी मेन आते हैं स्क्रीन की तरफ, तो पहले साइड स्टैंड को ऑफ करेंगे। तो हो गया, अभी गाड़ी चलने के लिए रेडी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये हो गया, बाकी अभी मोड के बारे में बात करते हैं। तो ये अभी नॉर्मल मोड पे है, और जो मोड आपको दिखा देता हूँ, आपको चार मोड मिलते हैं। एक ये हो गया स्पोर्ट मोड, और एक हाइपर मोड, जो कि इसका सबसे पावरफुल मोड है। बाकी इसको दबा के रखने से आपका जो इको मोड भी ऑन हो जाएगा, इको मोड ऑन हो गया, और इको मोड बेसिकली आपको ज़्यादा रेंज देता है। और अभी नॉर्मल कर लेते हैं, ये हो गया। बाकी अभी स्क्रीन के बारे में बात करते हैं, तो आपको इधर स्लाइड करने पे इधर देख सकते हैं, आपका जो मैप वगैरह हो गया,
जो नेविगेशन आप यूज़ कर सकते हैं किधर जाना होगा। बाकी अभी सेटिंग की तरफ चलते हैं तो आप इधर देख सकते हैं, बाकी 36 डिग्री सेल्सियस भी दिखा रहा है, और इको पे चलेगा 44 किलोमीटर और नॉर्मल पे 39, और स्पोर्ट्स पे 37 किलोमीटर और हाइपर पे 34, और बाकी 26% है तो इतना दिखा रहा है। बाकी इसका जो फुल रेंज है 170 के लगभग है, उसका जो रेंज फुल वो लग मतलब क्लेम करता है, और टॉप स्पीड है जो 118 का क्लेम करता है, पर देखते हैं कभी अच्छा रोड मिलेगा तो चेक कर लेंगे। बाकी हो गया, अभी साउंड सेटिंग पे जाते हैं तो आपका जो मीडिया वॉल्यूम, उसके बाद सिस्टम वॉल्यूम, उसके बाद मोड साउंड जो की होता है, इसमें आपको एक मोड मिलता है ना जो स्पीकर से साउंड निकालता है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। बाकी इधर वाईफाई है, आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, और बाकी ब्लूटूथ मिल जाता है, ब्लूटूथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और अभी आते हैं डिस्प्ले पे, डिस्प्ले पे आपको डार्क, लाइट और ऑटो ऑटोमेटिक कर देंगे तो अपना टाइम के हिसाब से ये चेंज कर लेगा। बाकी इधर ब्राइटनेस आप चेंज कर सकते हैं, और जो मोड की मैं बात कर रहा था साउंड निकालता है ये, मैं अभी आपको सुना देता हूँ। तो इस पे चलते हैं, तो अभी आप देखना, अभी साउंड ऑन कर लो। ये हो गया बोल्ट मोड, अभी चलते हैं इक्लिप्स मोड पे। इक्लिप्स मोड पे आपको थोड़ा जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होता है ना वैसा फ्यूचरिस्टिक का आवाज निकलता है। अभी चलते हैं विंटेज पे, जो थोड़ा पुराना गाड़ी जैसा स्कूटर जैसा साउंड करता है। इसको बंद करते भाई बहुत तेज़ आवाज़ करता है। बाकी अभी आते हैं, अभी चलते हैं राइडिंग पे, तो अभी बात करते हैं रीजेनरेटिंग ब्रेकिंग के ऊपर। तो आपको पता होगा इलेक्ट्रिक कार में आता है, तो जैसे कि आप ब्रेक मारेंगे तो जो भी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगा उसको ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और आपका बैटरी ऑटोमेटिक चार्ज होगा जब आप ब्रेक करेंगे। तो इसमें आपको तीन मोड मिलते हैं, एक तो हो गया लो हाई, और अभी ये डिफ़ॉल्ट पे है, तो आप हाई करोगे तो बहुत ही ज़्यादा गाड़ी अपना जो रीजेनरेटिंग करेगा, और लो पे लो अभी नॉट डिफ़ॉल्ट है। बाकी हील होल्ड असिस्ट है जो कि अभी कमिंग सून लिख रहा है, तो बहुत जल्दी आ जाएगा। और बाकी आपको हील होल्ड के बारे में अगर पता नहीं, अगर आप कोई ढलान पे खड़े होंगे और जा रहे अगर आप एकदम से रुक लिए और गाड़ी पीछे को आ जाएगी, तो ये उस चीज में ऑटोमेटिकली ब्रेक एंगेज हो जाएगा और ये पीछे नहीं आएगी। तो ये हो गया पासकोड, जहाँ पर आप अपना जो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, बाकी नया डाल सकते हैं। ये हो गया, बाकी इधर डॉक्यूमेंट पे आए तो आप अपना जो डॉक्यूमेंट इसमें सेव कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू। और सिस्टम अपडेट के ऊपर आए तो आप देख सकते हैं ऑटो डाउनलोड अपडेट ऑन है, तो जैसे ही आप अपना वाईफाई से इसको कनेक्ट करेंगे ये ऑटोमेटिकली अपडेट वगैरह कर देगा। और एबर्ड पे जाएंगे तो आपका जो पूरा ऑडोमीटर कितना चला है वो सब बता देता है। बाकी ये 7 दिसंबर 2020 को परचेस किया गया था, मतलब फास्ट ऑन हुआ था, तो उसका भी ये दिखाया जाता है। और ये हो गया, बाकी सॉफ्टवेयर का वर्सन वगैरह ये सब, ब्लूटूथ एड्रेस ये सब दिखाया जाता है। ये हो गया, बाकी पूरा हो गया ये। और इधर बात करते हैं तो आपको इधर टाइम मिल जाता है इधर ब्लूटूथ का और कौन सा मोड पे है। बाकी हेडलाइट ऑन है तो उसका दिखाता है, बाकी इधर टोटल कितना जो ट्रिप मीटर का दिखाया जाता है, बाकी ओवरऑल कितना चला है वो दिखाया जाता है। बाकी इधर आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है और ब्लूटूथ पेयर का इन्फॉर्मेशन, तो ये ऑप्शन देख रहे हो, इससे आप अपना डिकी खोल सकते हो। इधर देख सकते हैं आपको आराम से दो हेलमेट आ जाएगा, इतना स्टोरेज आपको मिलता है। अभी इसको ऑफ करते हैं और चलते हैं, इसको चलाएंगे और चलते हुए बात करेंगे कैसा है राइडिंग वगैरह, इसका जो फील और बाकी पावर वगैरह तो खतरनाक मिलेगा। 58 न्यूटन मीटर टॉर्क एकदम से आपको मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक है तो आपको कोई गियर वगैरह नहीं मिलता है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं जो अपना मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे, तो चलते हैं इसको राइड करते हैं अभी। बाकी मैं अभी इसका पासवर्ड डाल लेता हूँ। बाकी अभी ये पार्किंग मोड पे है,
तो इसको क्या करना होता है कि आपको पहले स्टैंड हटाना पड़ता है, बाकी ब्रेक दबा के इसको एक बार दबाना पड़ता है। बाकी अभी हो गया, अभी नॉर्मल मोड पे है और थोड़ा सा बैटरी अभी कम हो चुका है क्योंकि हम इसको तब से लेके घूम रहे हैं। बाकी मैं पहली बार चला रहा था, मतलब पहली बार तो नहीं, पहले चला चुका हूँ। और वो क्या है कि और एक दोस्त का था, वो थोड़ा छोटा सा स्पिन मारा था मैंने। बाकी अभी इसको इतने दिनों के बाद पूरा राइड किया हूँ। मतलब ये मेरे मामा जी का है, तो वो कब से ले गए हैं, मतलब 7 दिसंबर से, अभी दिखाया ना वीडियो में, तब से लिए हैं, पर मैं आया नहीं था तो इसका रिव्यू वगैरह अभी तक नहीं हुआ था। तो अभी बता देता हूँ, ये जो आप स्विच देख रहे हो तो इससे आप मोड सिलेक्ट कर सकते हो, पर बस आपको थ्रॉटल छोड़ना है। अभी स्पोर्ट मोड पे है तो, और भी देखो भाई क्या पिकअप आ रहा है अभी, जो बोलो भाई, जितना भी हम लोग हेट कर ले जो इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को, पर इनका पिकअप भाई बहुत तगड़ा है भाई। अभी थोड़ा नॉर्मल पे चलाते हैं तो उसके बाद हम लोग आपको बताता हूँ। और बाकी अभी सस्पेंशन टेस्ट हो गया ओला का, जो बोलते हैं ना भाई टूट जाता है, ये हो जाता है, मैं देखा नहीं था भाई, एकदम से कुदा दिया। बाकी अभी ये हाइपर मोड पे है, पर इसको नहीं चलाएंगे, पहले नॉर्मल कर लेता हूँ। और नॉर्मल पे आपको थोड़ा थ्रॉटल खींच के दिखा देता हूँ। ओ भाई भाई क्या है ये भाई, भाई ये तो मेरे को डरा रहा है भाई, इतना ज्यादा तगड़ा पिकअप तो भाई एकदम 300 या 390 वगैरह का जैसे पिकअप आता है ना, एकदम से उसकी तरह पिकअप है इसका। बाकी ये होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक है, तो जितना भी पावर टॉर्क एक साथ आपको मिल जाता है, कोई गियर वगैरह का नहीं है, कोई आरपीएम हाई आरपीएम पे आपको जाके फुल पावर मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको एकदम से पावर मिलता है। पिकअप वगैरह बहुत तगड़ा है। बाकी ओला का थोड़ा ये प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह मेरे को अच्छा नहीं लगा, बाकी किसी को अच्छा नहीं लगा, सब लोग थोड़ा कंप्लेन कर रहे हैं। बाकी हो जाएगा, अभी नया प्रोडक्ट है तो इतना ज़्यादा नहीं है। बाकी इंडिकेटर स्विच इसका इधर है, आप देख सकते हैं, अभी इसका इंडिकेटर स्विच इसको दबा के हम लोग धीरे धीरे, क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का। और आप जब इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाओगे तो आपको पहले जो एक सबसे बड़ा दिक्कत लगेगा कि हम लोग क्या करते हैं ना, जो आईसी इंजन होता है इंटरनल कंबशन इंजन, उसमें क्या करता है, ब्रेक दबा के भी अगर एक्सेलेटर देंगे तो वो थोड़ा चल जाएगा, पर ऐसा नहीं, इसमें नहीं है, अगर आप इसको दबा देंगे तो पूरा थ्रॉटल ख़त्म हो जाएगा, तो ये थोड़ा आपको स्टार्टिंग में एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी अभी ये नॉर्मल मोड पर, इसको शिफ्ट करते हैं स्पोर्ट मोड पर। अरे भाई भाई, और बाकी इसका टॉप स्पीड कंप्लेन क्लेम करती है जो 118 समथिंग। बाकी यहाँ पर रोड तो नहीं है, बाकी लो बैटरी का जो ये आ गया सिंबल 87 समथिंग चढ़ गया था। बाकी ब्रेकिंग वगैरह भाई बहुत अच्छा है भाई, जो बोलो भाई, ब्रेकिंग बहुत अच्छा है। आपको फ्रंट में डिस्क मिलता है, पीछे में इतना ज़्यादा चेक नहीं किया। बाकी इसका बैटरी परसेंटेज भाई बहुत तेजी से गिर रहा है, एक बार हाइपर मोड पे भी चला जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा ऑफ हिल जगह है ना, मतलब ऑफ हिल है, तो इसको थोड़ा हाइपर मोड पे करते हैं। अरे भाई लो मोड पे तो ये बैटरी कम हो गया ना, अभी ये मोड ही नहीं होगा, देखो छी यार, ऐसे टाइम पे मिला भाई बैटरी इसका खत्म हो गया भाई छी। देखेंगे और एक बार आपको जो हाइपर मोड दिखा दूंगा। बाकी ओवरऑल चलाने में बहुत ज़्यादा सही है। बाकी ये थोड़ा प्रॉब्लम रहता है इलेक्ट्रिक का कि आपको थोड़ा रेंज एंजाइटी रहता है, मतलब कभी खत्म हो जाएगा, घर पहुंच पाऊंगा कि नहीं। बाकी इसका जो ओवरऑल रेंज निकल के आता है वो 170 किलोमीटर का, तो आप एक लगभग कंप्लेंट क्लेम करता है 170 का। बाकी आप इतना मेरे को पता भी नहीं है और ये इतना ज़्यादा चला भी नहीं है, तो कोई अगर ओनरशिप रिव्यू होगा तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। बाकी इधर से यूटर्न ले लेते हैं भाई, क्योंकि पता चले घर ही नहीं जा पाए तो थोड़ा दिक्कत वाली बात बन जाएगा। भाई अच्छा है यार भाई, इसका जो ओवरऑल इसका राइडिंग डायनामिक्स वगैरह भी बहुत अच्छा है।
ये देख सकते हैं थोड़ा लीन करेंगे। अरे भाई इसके ऊपर तो और एक वीडियो बनाना पड़ेगा जो पूरा इसका राइडिंग के ऊपर ही होगा। ये तो इस एक बोल सकते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन जैसा होगा, क्योंकि मैं इसे और एक काम से आया था, इतना ज़्यादा प्रिपेयर भी नहीं था। और मिल गया तो चलाने के लिए मैं बोला कि वीडियो बना लेता हूँ। भाई इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा आप पे करते हो, और इसको मेरे को एरोक्स 158 मेरा एक दोस्त का है ना, उससे कंपेयर करना है। मैं देखूंगा ये ज़्यादा तेज निकलता है वो, क्योंकि बाकी जितने भी 125 सेगमेंट की गाड़ियाँ आते उन सबको तो एक हाथ रहेगा भाई, इतने ज़्यादा पावर है। बाकी ओवरऑल अगर आपको एक पावरफुल स्कूटर चाहिए ना भाई, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, मतलब पावर के हिसाब से, इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ। और दो तीन गाड़ियाँ आते हैं जैसे कि एथर 450X, जेन 3 अभी आ चुका है, पर उसका पिकअप उतना इसको मतलब इससे कम है। और बात रही iQube की, iQube थोड़ा ओवरऑल अब बोल सकते हो ऐसा कि वो मतलब उसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है और ओवरऑल वो बेस्ट है, पर पिकअप के मामले में इसका कोई तोड़ नहीं है। अब देखो जैसे अपील चल रहा है और ये नॉर्मल मोड पे भी बहुत तेज निकल रहा है। कि हमारा थोड़ा किस्मत खराब है, इसका बैटरी अभी ड्रेन हो चुका है, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा। बाकी कभी और चलाऊंगा, आपको पूरा रिव्यू दूंगा। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताओ। इस बाइक के रिलेटेड कोई आपका जो कमेंट वगैरह रहेगा, मतलब क्वारी क्वेश्चन रहेगा, कुछ भी बोल लो, क्वेश्चन क्वारी जो भी। जैसे देखो मैंने साइड स्टैंड ऑन कर दिया ना, इसका जो पार्किंग मोड ऑन हो गया, अभी इसको एक्सेलरेशन देने से ये आगे नहीं जाएगा। बाकी ये था फुल वीडियो, और जैसे कि आपको बताया कि क्वेश्चन वगैरह है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी इसका एक कंप्लीट रिव्यू आएगा तब जब इसको फुल चार्ज करके लाएंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को तो सब्सक्राइब ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए।